सोलर अलायंस के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, गठबंधन में सबसे बड़ा साथी है सूर्य देवता। 23 देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत 121 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित व्यापक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से एक ही दिन में 20 ऑफिसर्स का तबादला, सभी ऑफिसर्स का सीबीआई की दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर। चौथी बार आरएसएस सरकारवाह बने भैयाजी जोशी का बड़ा बयान, राम मंदिर बनना तय, कुछ और नहीं बन सकता, 2021 तक वो संघ के कार्यवाह का पद संभाले। जयाप्रदा पर आजम खान का पलटवार, खिलजी जैसा बताने पर जयाप्रदा से बोले, नाचने वालों के मुंह नहीं लगता। सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल का छलका दर्द, कहा पिता की मौत से लंबे समय तक रहा परेशान, अब हथियारों को हम कर चुके हैं। किसानों के आक्रोश का छठा दिन, शिवसेना भी आई साथ, कल विधानसभा का करेंगे घेरा। शमी पर हसीन के संगीन आरोप, शमी से सुलह पर बोली हसीन, जहां ऐसा किया तो गुनहगार कर जाऊंगा। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने दिया भड़काऊ भाषण, एफआईआर दर्ज। श्रीदेवी के अंकल वेणुगोपाल रेड्डी ने चौंका देने वाला खुलासा किया है, दर्द में थे श्रीदेवी, बोनी का पैसा डूबने से खराब थे आर्थिक हालात। फिल्म अभिनेता नवाज पर लगे आरोपों पर उनकी पत्नी आलिया हैरान, फेसबुक पर लिखा मैं हिंदू ब्राह्मण, नवाज ने कभी नहीं अपनाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सीलिंग के मुद्दे को लेकर 13 मार्च को बुलाई बैठक, सीएम ने मनोज तिवारी और अजय माकन को लेटर लिखा। दिल्ली में लगातार हो रही सीलिंग का विरोध, अमर कॉलोनी में व्यापारियों ने जमकर किनारेबाजी। लाजपत नगर 4 में व्यापारियों के समर्थन में आया किन्नर समाज, किन्नरों के मुताबिक इसी तरह बाजार सील होते रहेंगे तो हम पैसे मांगने कहां जाएंगे। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां 2 डीयू के छात्रों की मौत हो गई है, वहीं 3 छात्र मामूली रूप से घायल हो गए। नोएडा में सेक्टर 12 के प्रदर्शनी पार्क में नाबालिग लड़की से रेप, बदहवास हालत में मिली लड़की, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश मिली पुलिस। नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक कार ड्राइवर को अपना निशाना बनाया है और उसकी कार लूट कर फरार हो गए। ड्राइवर ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी रॉड से पिटाई कर उसे लुहलुहान कर दिया। हरियाणा के सिरसा में कलावली के चकेरिया इलाके में सड़क किनारे मिले 256 पासपोर्ट, बड़े फर्जीवाड़े की आशंका, जांच की गई। हरियाणा में 28 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने आंदोलन को खत्म कर वापस काम पर लौटने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकार की तरफ से समझौते की शर्तों को मानने के लिए 2 महीने का वक्त मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चुनौती का जवाब दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि चौटाला जहां से चुनाव लड़ना चाहें वहां से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। गुरुग्राम के उल्लासवास इलाके में चलती कार में लगी भयंकर आग, हादसे में जिंदा जल गया कार सवार युवक, देर रात हुआ हादसा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर गांधी नेहरू परिवार के प्रति हमलावर हो गए हैं। गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर चल रही सरकारी योजनाओं और उनके नाम पर बने सरकारी भवनों के नाम बदले जाने की जिद पर विज अड़े हुए हैं।